हेलो फ्रेंड, अगर आप पान खाते हैं तो आप कत्थे को तो जरूर जानते होंगे। कत्थई रंग का दिखने वाला कत्था अगर पान पे ना लगाया जाए तो उसका स्वाद बेरंगा हो जाता है। और क्या आप जानते हैं कि कत्थे के अंदर बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण भी होते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी दोस्त नायर आज आपको बताऊंगी कि कत्थे का सेवन करने से भी आप अपने आप को सुरक्षित और हेल्दी कैसे बना सकते हैं। ध्यान रखें कि कत्थे के दो प्रकार होते हैं, सफेद और पीले रंग का कत्था। सफेद रंग का कत्था औषधीय रूप में और पीले रंग के कत्थे को पान पर लगाया जाता है। जिस कत्थे को हम पान पर लगाते हैं वो हमें कई बीमारियों से बचाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही नुस्खे। टिप नंबर 1, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए भी आप कत्थे का उपयोग कर सकते हैं। अपने टूथपेस्ट या फिर मंजन के पाउडर के अंदर कत्थे को मिक्स कीजिए और फिर उससे अपने दांतों पर और मसूड़ों पर सुबह शाम मसाज कीजिए। ऐसा करने से आपके दांतों में प्राकृतिक चमक आएगी, साथ ही साथ मसूड़ों या फिर दांतों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। टिप नंबर 2, खट्टी डकारों से निजात पाने के लिए भी आप कत्थे का प्रयोग कर सकते हैं। 300 से 700 ग्राम कत्थे को पानी के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से आपको खट्टी डकारों से निजात मिलेगी। टिप नंबर 3, दस्त की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी आप कत्थे का प्रयोग कर सकते हैं। 300 से 700 ग्राम कत्थे को पका लें और फिर उसका सेवन करें। ऐसा करने से आपको दस्त से होने वाली प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। टिप नंबर 4, गले में खराश हो या आवाज दबी हुई हो, आप कत्थे का प्रयोग करके इसे ठीक कर सकते हैं। 300 ग्राम गरम कत्थे के चूर्ण को मुंह में रखकर चूसने से आवाज खुलती है, खराश दूर होती है, साथ ही साथ अगर गले में दर्द है वो भी ठीक हो जाता है। टिप नंबर 5, खांसी को दूर करने के लिए आप कत्थे का प्रयोग कर सकते हैं। कत्था, हल्दी और मिश्री को 1-1 ग्राम चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में सेवन करने से आप खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कत्थे के फायदे। तो आज के बाद जब आप पान पे कत्था लगवाएं तो ये ना भूलें कि कत्था एक औषधि भी है जो कि आपके शरीर को और आपकी हेल्थ को और भी ज्यादा अच्छा बना सकता है। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।